गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट कॉस्मेटिक्स के अंतर्गत हम आगे देख लेते हैं बाथ प्रिपरेशन। बाथ प्रिपरेशन में हमको क्या लगता है, शैम्पू, शॉप। तो शैम्पू और जो सोप है वो कैसे प्रिपेयर हुआ है, कौन कौन से कंटामिनेंट या केमिकल उनमें इंक्लूड है। बाथ प्रिपरेशन में देख लेते हैं, अ प्रिपरेशन ऑफ अ सर्फेक्टेंट इन अ सुटेबल फॉर्म। जो प्रिपरेशन हम कर रहे हैं वो किस फॉर्म में प्रिपेयर होगा, सर्फेक्टेंट के फॉर्म में। सर्फेक्टेंट, अब ये जो सर्फेक्टेंट है आपके सुटेबल फॉर्म में अवेलेबल होता है। वो जो सुटेबल फॉर्म होता है, सपोज लिक्विड में जैसे आ गया फेस वॉश, बॉडी वॉश, हैंड वॉश। सॉलिड में आ गया वेरियस टाइप ऑफ सोप, जो है सॉलिड स्टेट पर रहता है। आर पाउडर्स, डिटर्जेंट, इट इसे ये पाउडर स्टेट में आ गया। दैट मीन्स जो डर्टी पार्ट होगा बॉडी बॉडी के या फिर क्लॉथ्स के, बाथ प्रिपरेशन के अंदर जितने भी हमको यूज़ होने वाले हैं लिक्विड, सॉलिड और पाउडर, वो क्या करेंगे, सर्फेक्टेंट को, जो सुटेबल सर्फेक्टेंट है उसको रिमूव करने का काम करेगा। दैट मीन्स डर्टी पार्ट का जो सर्फेक्टेंट है उससे जो लिक्विड डिटर्जेंट या फिर सॉलिड सोप रिएक्ट करके उस डर्टी पार्ट को रिमूव करेगा। अ प्रिपरेशन ऑफ अ सर्फेक्टेंट इन अ सुटेबल फॉर्म लिक्विड, सॉलिड और पाउडर विच वेन यूज्ड अंडर द कंडीशंस स्पेसिफाइड विल रिमूव सरफेस डर्टी एंड स्किन डिब्राई। सरफेस कहाँ के सरफेस को, डर्टी सरफेस को, डर्टी एंड स्किन डिब्राइज फॉर्म द हेयर फॉर्म हेयर्स सेफ्ट एंड स्क्लैप्स विथआउट अफेक्टिंग एडवर्सरी द हेयर विथआउट अफेक्टिंग द एडवर्सरी हेयर स्क्लैप आर द हेल्थ ऑफ द यूजर। स्किन डिब्राइज फ्रॉम द हेयर स्क्लैप सॉफ्ट एंड स्क्लैप विथ इन अफेक्टिंग एडवर्सली द हेयर विथ इन या विथआउट affecting adversely the air scalp are the health of the user। अगेन देख लेते हैं हम क्लियर लिक्विड। जैसे क्लियर लिक्विड में जो हम बाथ प्रिपरेशन के लिए यूज़ करते हैं वो लिक्विड फॉर्म में क्या होता है, शैम्पू होता है। शैम्पू कैसे, शैम्पू ये कैसा रहता है, क्लियर लिक्विड रहता है। इसमें कौन कौन सा केमिकल इन्वॉल्व है ये देख लेते हैं। यहाँ फार्मूला होगा, फार्मूला केमिकल इन्वॉल्व, यहाँ पे होगा परसेंटेज। सोडियम लॉरियल सल्फेट फर्स्ट इन्वॉल्व केमिकल इज अ सोडियम लॉरियल सल्फेट, शॉर्ट फॉर्म में इसे SLS भी कहते हैं। ये जो परसेंट होता है वो शैम्पू में कितना परसेंट होगा, 12.0% होगा। अगेन ल्यूरामाइड DEA इज अ 5.0%। व्हाट इज अ ल्यूरामाइड एंड व्हाट इज अ सोडियम लॉरियल सल्फेट, ये जो है शैम्पू या सोप या डिटर्जेंट पे इन्वॉल्व रहता है। अब इन्वॉल्व रहता है
लेकिन ये किसके कंपोजिशंस हैं ये देख लेते हैं। कैसे मिलकर ये सोडियम लॉरियल सल्फेट फॉर्म हुआ है? सोडियम लॉरियल सल्फेट आर अ सर्फेक्टेंट इन एक्सेप्टेड कंस्ट्रक्शन ऑफ सोडियम। सोडियम लॉरियल सल्फेट इज अ सोडियम लॉरियल सर्फेक्टेंट इन एक्सेप्टेड कंस्ट्रक्शन ऑफ सोडियम लॉरियल इथर सर्फेक्टेड इज इन एनायनिक डिटर्जेंट एंड सर्फेक्टेंट फॉर्म एनी इन मैनी पर्सनल केयर प्रोडक्ट। फार्मूला किसका फार्मूला देख लेते हैं, सोडियम लॉरियल सल्फेट का फार्मूला देख लेते हैं। यहाँ पर CH3 इन ब्रैकेट CH2 10 CH2 इन ब्रैकेट C इन ब्रैकेट O CH2 CH2 नंबर ऑफ N O SO3 Na। दिस इज सोडियम लॉरियल सल्फेट अगेन लॉरियामाइड। व्हाट इज द लॉरियामाइड? DEA। लॉरियामाइड D इज अ मिक्सचर ऑफ एथेनॉलिमाइड। लॉरियामाइड इज अ मिक्सचर ऑफ एथेनॉलिमाइड मिक्सचर ऑफ एथेलॉन एथेनॉलिमाइड। अगेन ऑफ ल्यूरिक एसिड। ल्यूरामाइड डी इज अ कंपेयर्ड या कंपाउंड मेड फ्रॉम द सैचुरेटेड फैटी एसिड। ल्यूरामाइड जो कंपाउंड है वो किसके फैटी एसिड से बनता है? फैटी एसिड के कंपाउंड से मेड होता है, एसिड्स के कंपाउंड से मेड होता है। इज कॉल्ड द ल्यूरिक एसिड। और जो फैटी एसिड्स के सैचुरेटेड कंपाउंड सैचुरेशन बनाएगा, फैटी एसिड जो सैचुरेटेड फॉर्म में आ करके ल्यूरामाइड का फॉर्मेशन करता है, और इस पूरे प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? ल्यूरिक एसिड कहते हैं। अगेन डाइथेनॉल एमाइन। व्हाट इज अ DEA? व्हाट इज अ DEA? डी इज अ डाई एथेनॉल एमाइन। डाई इथेनॉल एमीन DENA। इन इंग्रेडिएंट इन सेम कॉस्मेटिक प्रोडक्ट दैट फंक्शन एज अ वेटिंग एजेंट। वेटिंग एजेंट का जो फंक्शन है वो इसमें इंक्लूड रहता है। इस तरीके से फार्मूलेशन होता है। और शैम्पू में इसकी जो मात्रा होती है, इस केमिकल के कंटामिनेंट या मिक्सचर की जो मात्रा होती है वो है SLS का है, सोडियम लॉरियल सल्फेट का है 12% और लॉरामाइड का है 5.0%। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। थर्ड इज अ डिसमॉइज्ड वाटर। डिलोमाइज्ड वाटर 82.95%। अगेन परफ्यूम यूज करना ही है, परफ्यूम एंड कलर एंड प्रिजर्वेटिव, ये तीन चीज़ कॉमन है इस किसी भी एनालिसिस के कंपोजिशन में। ये हो जाएगा आपका 9.5। अगेन फास्फोरिक एसिड टू एडजस्ट। अगेन फास्फोरिक एसिड को हम एडजस्ट करेंगे, फास्फोरिक एसिड एडजस्ट करेंगे किस पर? पीएच पर। और पीएच रेंज होगा 9.5 पर एडजस्ट करेंगे। इससे जो हम देखेंगे तो लोअर रेंज लेंगे उसका, और इससे आगे देखेंगे तो हायर रेंज देखेंगे, क्योंकि ये यहाँ पे 9.5 पे एडजस्टेबल होगा। सोडियम क्लोराइड टू इंक्रीज विस्कोसिटी। 6 जो कंटामिनेंट लेते हैं वो होगा सोडियम क्लोराइड। क्या करता है? इंक्रीज करता है, सोडियम क्लोराइड इंक्रीज करता है विस्कोसिटी को किसके? साबुन के, सोप के और शैम्पू के। विस्कस
पॉइंट को इंक्रीज करता है, इसका जो रेंज होता है इंक्रीज करने का परसेंट जो होता है 9.5% होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये तो सारे इंग्रेडिएंट हुए शैम्पू का, क्लियर लिक्विड का, बाथ प्रिपरेशन के लिए। अब मेथड कैसे, इसको कैसे हम किस मेथड से प्रिपेयर करते हैं।